वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो आज मैं और अलंकार जा रहे हैं टाको बेल एंड नेहरू प्लेस वाले टाको बेल जा रहे हैं। ग्रेट इंडियन रेस्टोरेंट फेस्टिवल जीआईआर। या सो स्विगी का वो डील चल रही है, तो जीआईआरएफ एक डील चल रही है, उसमें ऐसा होता है कि आपको जिसके पास मेंबरशिप है आई थिंक सिर्फ उन्हीं को मिलती है। तो उसमें अभी मे के आई थिंक पूरे मंथ चली है, 2 जून तक है, तो 2 जून से पहले हम अवेल करना चाह रहे हैं। आज आई थिंक 20th में, तो हम इसलिए टाको बेल जा रहे हैं, तो कुछ ही सिलेक्टेड रेस्टोरेंट्स पे है। तो हमने थोड़ा अपने जहां हम रहते हैं वहां देखा आसपास क्या है, तो हमें टाको बेल ठीक लगा, तो वहां पे जा रहे हैं एंड अच्छा लग रहा है। काफी टाइम बाद आई थिंक 1-2 साल बाद मैं पहली बार मैक्सिकन फूड खाऊं। सो मैंने आई डोंट थिंक टाको बेल पे कभी ट्राई किया है। सो और आज सैटरडे है एंड इसलिए आज तो हमारा ऑफ है, तो हमें अच्छा लग रहा है बिकॉज कल रात हम 4 बजे सोए थे एंड उसके बाद फिर हमने अपना बुक कर ली थी स्विगी पे ही टाइम स्लॉट एंड अपना सब कुछ बुक करके एंड हमारे 2 बजे का टाइम हमने लिया था। तो अभी हम जिस पार्क से जा रहे हैं ना, ये वाला जो पार्क है, सो इससे जाते ही मतलब यहाँ पे जो बिल्डिंग्स दिख रहे हैं सो उधर ही नेहरू प्लेस मेट्रो स्टेशन है, तो हमारे लिए उतना दूर नहीं है, तो हम चलकर ही चले जाएंगे। नया शर्ट क्या, टी शर्ट लिया था जॉकी से एंड हाँ, तो अलंकार तो ये अलंकार मैं दिखाती हूँ, अलंकार तो जीन्स पहन के जा रहा है प्रॉपर, बट मैं ऐसे शॉर्ट्स में जा रही हूँ। सो या मेरा मन नहीं था तो मैंने चेंज नहीं किया, गर्मी थी इसलिए मेरा मन नहीं कर रहा था कुछ पहनने का, इसलिए मैं ऐसी शॉर्ट्स एंड चप्पल डालकर जा रही हूँ। बिकॉज मैं डेली तो ऑफिस में तैयार होकर ही जाती हूँ, तो मेरा मन नहीं था प्रॉपर, आप सैटरडे को भी छुट्टी है तैयार हो और ये सब करो, तो मैंने बस शावर लिया एंड शावर लेने से ज्यादा है हमारा पानी फिर से खत्म हो गया है, मोटर ऑन करना भूल गया था रात में। एनीवे हम जल्दी से चल चल के फिर जा रहे हैं टाको बेल। हमने अपने हाँ मुझे भी बहुत मन करा, हमने आज ब्रेकफास्ट ही नहीं करा इसलिए डायरेक्ट उठ के यही खाएंगे। हमारे ऑफिस में एक मैम है, हमने उनसे पूछा भी था, सजेशन लिया था कि टाको बेल पे क्या ट्राई करना चाहिए, तो उन्होंने बोला था बुरीटो एंड चिकन, कोई कुछ बताया ना, चिकन कुछ नहीं, ऐसा रहा नहीं, कुछ और बताया था। सो वो हम देखते हैं, वो हम ऑर्डर करेंगे। जी हम टाको बेल आ गए, बाहर से दिख रहा है नेकेड टाको प्लस अनलिमिटेड पेप्सी, यार हू वांट्स अनलिमिटेड पेप्सी, आप लाइट नहीं है बट सो हम हां डील्स इन वाली डील्स पे अप्लाई है, सो हम फाइनली आ गए एंड फिगर आउट करते हैं कहां पे है टाको बेल। तो ये नेहरू प्लेस मेट्रो स्टेशन है एंड यहां पे काफी अच्छा, वो तो दिख गया, एंड यहां पे काफी सारे खाने पीने की जगह एक साथ होती है, फूड कोर्ट होता है यहां पे, सो वो टाको बेल है एंड यूजली हम इधर आते थे चायोस, यहां पे कभी लंच ब्रेक में आके पी जाते थे चाय वगैरह। तो मैं एक उधर चिकन चलूपा है वो लेने का सोच रही हूँ एंड इधर से मैं सोच रही हूँ कि एक बरीटो तो लूंगी एंड अलंकार को टाको भी चाहिए, सो वही हम फिगर आउट कर रहे हैं क्या क्या ऑर्डर करें। वन सॉफ्ट चिकन टाको, वन चिकन चलूपा, वन क्लासिक चिकन बरीटो। सो हमारा बिल ये था 717 आ रहा था एंड देन स्विगी डिस्काउंट से 50% ऑफ मिला है हमें, तो 359 हो गया है एंड ये 5 चीजें हमने ऑर्डर करा है इसमें, तो हमें ऑलमोस्ट 50% ऑलमोस्ट क्या है फ्लैट 50% ऑफ मिला है एंड मुझे काफ़ी एक्साइटेड फील हो रहा है एंड 2 जून तक ये डील है, सो शायद मैं दोबारा अवेल कर लूँ। एंड मेरे को ऐसा लगा है जनरली अभी तो फूड तो ट्राई नहीं कर रहा, बस मुझे लग रहा है कि टाको बेल थोड़ा कम महंगा है एज कम्पेयर टू सबवे या फिर मैकडी, बट देखते हैं फूड कैसा है, टेस्ट करेगा। अंदर से बड़ी खुशी हो रही है ना, हाँ यार मैक्सिमम उतना ज़्यादा नहीं खाया ना, लेकिन कभी कभी बाहर खाने आते हैं, हमें टाइम भी नहीं मिलता है, अच्छा लग रहा है। तो हमारा खाना तो आ गया बट फॉर सम रीजन मुझे खाना थोड़ा कम लग रहा है, मुझे फील हो रहा है ज्यादा और भी कुछ ऑर्डर करना चाहिए था, देखते हैं खाते हैं और मे बी वी विल बी डन विद दिस, मे बी बाद में भूख ना लगे। या तो ये क्या है, ये है बुरीटो, बुरीटो है ये कैसा डला है एंड ये क्या है, ये टाको है, ये चलूपा है, दिस चलूपा, ओके लेट्स ट्राई, ये सिनेमन का है बट मुझे बकवास लगा है, बहुत मस्त है। सो ये कैसा डला है, ठीक ही है, तो मुझे सबसे अच्छा इसमें लगा ये, उतना अच्छा नहीं लगा बिकॉज ये बहुत बड़ा एंड हेवी है। ये क्या था, चलूपा क्या था, चलूपा ये सबसे अच्छा ये चलूपा लगा एंड इसका ये बाहर वाली चीज अच्छी लगी बिकॉज ये थोड़ी फ्राइड एंड सिकी हुई लग रही है अच्छे से, एंड ये भी मुझे ठीक लगा। इसमें तो मुझे बेसिकली लगा इन्होंने सैलेड ही भर दी है, तो ये भी मुझे ठीक लगा, लेकिन सबसे अच्छा ये था एंड अलंकार को सबसे अच्छा लगा सिनेमन, इसका ट्विस्ट था बहुत अच्छा लगा, जो ये आधा तो वही खा गया।
इन्होंने एक रोटी जैसी चीज ली है, टॉर्टिया, ठीक है, एंड उसे कर दिया फ्राई, जैसे हम कचौड़ी बनाते हैं, एंड वो बना के उसमें ये फिलिंग डाली है। इसमें हल्का सा मुझे चिकन का टेस्ट तो आया बिकॉज चिकन था, मुझे इसमें हल्का भेलपूरी जैसा टेस्ट आया बिकॉज भेलपूरी में टमाटर प्याज सारे इकट्ठे होते हैं, मुझे वैसा टेस्ट आया, मुझे अच्छा लगा जो भी ये कॉम्बिनेशन था। इस बर्रीतों के अंदर तो इन्होंने जो ये खा रहा था, इसके अंदर चावल चिकन सब भरा हुआ था, रोटी चावल एक राजमा भी थोड़ा बहुत था, राजमा भी था सर, सर राजमा इसमें नहीं था, राजमा वेज वाले में था, सब इसमें भरा है, चावल रोटी एक साथ ऐसे खा लो। ये इनका टापू है जो मुझे उतना अच्छा नहीं लगा बिकॉज बाहर की जो ये ब्रेड है रोटी है टॉर्टिया ये उतनी मुझे अच्छी नहीं लगी, सिंपल सी है, आधी सी की हुई जैसे शवरमा में होती है, फिर भी ठीक था। मैम चलूपा सबसे ज़्यादा अच्छा, चलूपा तो बहुत अच्छा है। नहीं यार ये नहीं लगता क्रंची टाकू ज़्यादा अच्छा होगा, तुम सॉफ्ट क्यों लिया। सो ये तो हमारा पूरा खाना खाकर हो गया, चलना है या नहीं चलना लंका? हाँ चलना, मजा आ गया, चले थोड़ी देर और बैठना है, चल लेते ना, चल चलते हैं। ये मेरी ट्रिप थी लंका तो, बट मुझे उतना अच्छा नहीं लगा वैसे का खाना, मुझे ठीक लगा बिकॉज मैं बाहर खाना चाहूँगी तो मैं ये नहीं चाहूँगी मुझे रोटी के अंदर दी जा रही है, मुझे ऐसा लगा मुझे, लेकिन बहुत अच्छा लगा। Anything chicken with sauces, I'm in. चल बाहर चलते हैं, हमारा तो आवाज नहीं आ रही है। सो मैं खाने से थोड़ा सा disappointed हूँ, इधर आ जाते हैं चल। मैं थोड़ा सा disappointed हूँ, मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। पता नहीं इसे लेकिन अच्छा लगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। सो मैंने फर्स्ट टाइम टाको बेल से खाया, बट मुझे खाना ऐसे बाहर जाओ तो आई थिंक मुझे चाइनीज ही पसंद है, ये एक बात हो सकती है पता नहीं, बिकॉज उसमें रोटी के अंदर सारी चीजें भरी हुई थी, टॉर्टिला है, ब्रेड है, जो भी है वो, बट मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी नान, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा था मैं नान एंड चिकन खा रही हूँ, मैं एक्सपेक्ट कर रही थी मैं बाहर कुछ खाऊंगी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मैं बटर चिकन का थोड़ा पीस, थोड़ा नान, थोड़ी भेलपूरी, सब ऐसे मिक्स फ्लेवर्स आ रहे थे। मे बी सो आई माइट नेवर कम बैक टू टाको बेल, आई मे। एक दो चीजें मुझे अच्छी लगी, चपूला, चपूला था कुछ, चलूपा अच्छा था उनका, चलूपा एक्चुअली अच्छा था, और मे बी हमने राइट चीजें नहीं, हमने सभी कुछ ऑर्डर करी थी चार पांच, जैसा दिया भी मुझे अच्छा लगा, वो एकदम पतला था लेकिन अच्छा था। बट मैं टाको बेल कभी कभी आऊँ इसलिए, एंड मैं मेक्सिकन के बारे में कुछ बोल नहीं सकती बिकॉज मैंने मेक्सिकन कहीं और से ट्राई किया नहीं है, सो आई कांट रियली से, लेकिन टाको बेल मुझे ठीक ठाक ही लगा, बट सर्विस अच्छी थी एंड जगह अच्छी थी, सर्विस काफी अच्छी थी, एंड 50% डिस्काउंट मिल गया, वो अच्छी आ, मन भरा नहीं मेरा अंदर से, थोड़ा कुछ रह गया। अलग अलग चीजें देखी बट टेस्ट वाइज मुझे उतना अच्छा नहीं लगा टू बी ऑनेस्ट। सो ये हमारा मिनी व्लॉग था, हम बस घर से जा रहे थे एंड हमने सोचा कि शूट कर लेते हैं एंड टाको बेल चले गए हम, इसलिए इसको मेक्सिकन खाना अच्छा लगता है प्राइमरली आई थिंक बिकॉज ऑफ नाकोस, इसलिए शायद ऐसा है, बट मुझे भी ठीक ही लगा, बट आई थिंक मैं कहीं चाइनीज जाती तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। एनी वे सो दिस वॉज इट, या अभी हम अपने घर पे जा रहे हैं, वहाँ पानी होगा नहीं तो हम देखते हैं क्या अरेंज करें, बट मुझे अच्छा लगा हम कुछ टाइम बाद ऐसे गए बाहर, या बिकॉज हम सैटरडे को वरना सो ही रहे होते हैं या ब्लॉग एडिट कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, हाँ कुछ यही सब कर रहे थे, तो अच्छा बहुत बहुत टाइम बाद ऐसा हुआ है कि हम बाहर गए, ऐसे प्लान बनाया दिन में, हम जाते हैं तो रात में जाते हैं। एनी वे इस ब्लॉग को यही पेन करते हैं, ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर देना एंड चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन।